बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। चौदह सौ छत्तीस हिजरी के अशअ चेलुम की चौथी तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। अर्ज किया गया कि फजीलत अली एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से अली के चाहने वालों के लिए। अली उस वक्त भी अफजल थे जब आदम नहीं बने थे, अंबिया आने लगे, अंबिया का सिलसिला हुआ तो हर नबी के दौर में अली अफजल थे। तो फजीलतें तो अली की फजीलतें अंबिया के साथ चल रही थी। और मैं तो कहूंगा कि हर नबी अली की फजीलतों के साए में जिंदा था। और इस घराने को इससे बड़ी अली की फजीलत क्या होगी कि अली के घर के हर शख्स को फजीलतें अता कर दी, अजदाद को फजीलतें दे दी, औलाद को फजीलतें दे दी। जैसा कि कल अर्ज कर रहा था, ये बातें वो इल्म जिसको आप फिका कहते हैं, फिका के मानी है जानना, इल्म के मानी भी हैं जानना, लेकिन फिका ये है कि रिसर्च करके ये बता देना कि आपके मसाइल का हल क्या है। तो फजीलत अली कोई मसला नहीं है, फजीलत अली कोई मसला नहीं। अब मसला तो ये है कि ये हो गया तो ये हो गया, तो इसमें क्या करें, रोजा नहीं रख सके, सफर में थे, बीमार थे, क्या करें क्या करें, उनका 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, फलाना ही काम कर सके तो ये कर दो। हज में ऐसा हो गया कि साए में चले गए थे, हाँ एक बकरा दे दो। तो ये मसले फिकाबे हैं, इसका खिताबत से क्या ताल्लुक है, इल्मे बयान से क्या ताल्लुक है। हम मजलिस पढ़ रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं, इसमें फिका क्या करेगी। फिका आप सिखाइए, बच्चों को बताइए, कीजिए। अब वो अमामा बांध के लोग समझते हैं और हिंदुस्तान से आ गए, अब हमारे मसाइल और हैं। हिंदुस्तान से आने वाले अमामे जो बांधे हुए हैं उनके मसले और हैं। आप अपने हिंदुस्तान का मसला देखिए, यहाँ दूसरा मसला है। आप हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, यहां बनी उमैया के साथ रह रहे हैं, तो वो मौलाना साहब जो आते हैं हिंदुस्तान से और लंबा लंबा वीजा लेके यहाँ ठहरे रहते हैं, तो हमारे अमामे वाले क्या कम हैं। क्यों आते हैं यहाँ और बुलाने वाले क्यों बुलाते हैं, गलत बुलाते हैं।
इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान और कराची के मसले नहीं मालूम, वो नादान है और फिर वो खतीब नहीं है, वो बुनियादी तौर पे उन्हें तकरीर करना नहीं आती, वो फन खिताबत नहीं जानते, इसलिए वो हमारे मसले में क्यों टांग अड़ा रहे हैं। जब आप अपने फतवे वगैरह फिका वगैरह करते रहिए और वहीं बैठे रहिए, वहां क्या कमी है आपको, वहां तो अक्सरियत है, यहाँ आने की क्या जरूरत है। बेहतर ये कि यहाँ ना आइए, माजरत कर लें आप बानियान मजलिस से, इसलिए कि पाकिस्तान की खिताबत इंडिया की खिताबत से कई लाख गुना ज्यादा बढ़ चुकी। अब वहां खिताबत नहीं रही, और आप तो खैर बुनियादी तौर पे खतीब थे ही नहीं, तो अपनी फिका वगैरह अपना उसका बयान करें, आप वास करें बच्चों को, वहीं दिल्ली में बैठ के मदरसे में बच्चों को गुस्ले जनाबत सिखाएं, फकी से लग्जिश हो जाती है और फकीयों की गलतियां तारीख शियत में लिखी हुई हैं कि कहां कहां गलती की। फिका करने में गलती हो जाती है, इसलिए कि फकी मासूम नहीं होता, फकी मासूम नहीं होता, सिर्फ मासूम मासूम है और सारे इंसान खता का पुतला। आइए भाई पुतले इधर बैठ जाए, ऊपर बैठ जाए। तो ये खामा खाई ये मसला छेड़ना, देखिए फजीलत क्या है, फजीलत क्या है। पूरी तकरीर मौलवी बैठा हुआ कर रहा है कि तशहुद में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, ये कोई अली की फजीलत हुई, ये कोई फजीलत हुई। अली के मिंबर पे बैठा है और अली की मुखालफत कर रहा है, अली का नमक खा रहा है और नमक हरामी कर रहा है। आपको पता है अली के कितने अदद हैं, जोड़िए, एन के, एन के 70, लाम के 30, ये के 10, 110 हुए, नमक के कितने, जितने नमक के हैं उतनी अली के हैं। नून के 50, मीम के 40, काफ के 20, 110, दोनों के अदद बराबर, और आप ये हरकत कर रहे हैं। रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से, ये डिफेंस में बैठ के जीनत दी जा रही है, अली के खिलाफ तकरीरें हो रही और सब बैठे सुन रहे हैं, और ये नहीं उससे कह रहे हैं कि मजलिस की जीनत ये नहीं है जो तू कर रहा है, ये तो तू मजलिस को गंदा कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो बड़ी बड़ी जबानें खोल के मत बैठें, हमारे पास भी जवाबात हैं और बेतुकी बातें करने की जरूरत नहीं है, इल्मी बातें करें। अगर आप आ रहे हैं इंडिया से तो यहां की नस्ल को इल्म पहुंचाएं,
तशौद में अली का नाम अगर आ जाएगा तो अली का कोई इतना सा कोई फजीलत में इजाफा नहीं हो जाएगा, नमाज की फजीलत बढ़ेगी। फकीह हैं ये नहीं पता कि तशौद जो है वो वाजिब नहीं है, बगैर तशौद के भी नमाज हो सकती है, अली के बगैर नहीं हो सकती। ना हो अली का नाम तशहुद में, ना उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 70 मनकबतें तो मैं सुना रहा हूं, आयतुल्ला शेख सदूक ने लिखी है। आयतुल्ला शेख सदूक हैं या आप हैं? आयतुल्ला शेख सदूक हैं। शेख सदूक आपसे बड़े हैं? आप शेख सदूक से बड़े नहीं हैं, आप शेख मुफी से बड़े नहीं हैं, आप सैयद मुर्तुजा से बड़े नहीं हैं, आप अल्लामा हिल्ली से बड़े नहीं हैं। तो बड़े बड़े लोग क्या फजीलतें लिख रहे हैं अली की, और आप वहीं पड़े हुए हैं मेंढक की चाल से। जमाना कहां पहुंच गया, दौर कौन सा है, आप यही लिए बैठे हुए कि जैसे कोई नमाज आपकी मीरास है। आप नहीं होने देंगे, या होने देने का मसला ही नहीं है यहां, तो मसला ये जो कुछ है और था उसको निकालने का मसला है, निकालने का मसला है। किताबें पढ़ें, मुतालिया करें। रसूल अल्लाह ने मुसलसल तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ा, जनाब फातिमा जहरा भी पढ़ती थी तशहुद में अली वलीउल्लाह, इमाम हसन भी पढ़ते थे, इमाम हुसैन भी पढ़ते थे। अच्छा, अब उम्मत को ये नाम नहीं पसंद था, निकाल दिया, अजान से भी निकाल दिया, तशहुद से भी नहीं। तो उम्मत में आप हैं या मिल्लत जाफरिया में हैं? अगर उम्मत में हैं तो जाइए अली का मिंबर छोड़िए, जाइए उम्मत के साथ जाइए। उम्मत कुछ भी करे उनके साथ करिए, जाइए। मजलिस के तकाजे कुछ और हैं, हम हर चीज में उम्मत का साथ नहीं दे सकते, हम उम्मत का साथ हर चीज में नहीं दे सकते। हमें रोना है, हमें मजलिस करना है, उम्मत नहीं रोती, तो हम चीज तो हर बात में हम उम्मत का साथ, उम्मत हमारा साथ कहां दे रही है। तो जगह जगह से अली का नाम निकाल दिया जाए तो हम हर वक्त उम्मत की तारीफ करते हैं, हाँ बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, ये तो कोई काम नहीं हुआ। तशहुद गवाही है, कुरान का हुक्म है कि अली वलीउल्लाह तशहुद में कहना है। जगह जगह कुरान में तीन शहादतों की बात है, शहादतैन का लफ्ज नहीं है। जब दो होते हैं तो शहादतैन, कुरान में लफ्ज शहादतैन आया ही नहीं, शहीदम आया या शहादता, यानी तीन शहादतें देनी है। ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है। जगह जगह कुरान में है शहादतें, तीन शहादतें, छुपाओ नहीं, तीनों का ऐलान करो। गौर से कुरान को पढ़ें, बेतुकी बात ना करें, नमाज में इजाफे की बात नहीं हो रही, इजाफे की बात नहीं हो रही। आयतुल्ला खुमैनी से पूछा गया कि तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ें, उन्होंने कहा जहां चाहे अली कह दो, कयाम में कह दो, कुनूत में कह दो, रुकू में कह दो, सजदे में कह दो, कहीं कह दो। कल तो मैंने फतवे बंटवा दिए, मौलाना तक पहुंचा दें, हैदराबाद कहीं पढ़ने गए वापस आएंगे, कल उधर को जा रहे हैं, अंदरूने सिंह जा रहे हैं, अब
अब वहां तबलीग कर रहे हैं तशहुद में अली ना पढ़िएगा, तो कल वल आएंगे तो जाके दे आइएगा, वही नुमाइश पे कहीं ठहरे हुए दे आइएगा उनको, कोई साहब जाएं ये कागज पकड़ा दें ये फतवे हैं सारे आयतुल्लाहों के, कल बांट दिए ना मैंने, नहीं मिले आपको, अरे तो किसी को मिला है तो जाके दे आए ना, क्यों नहीं दे आते, डरने की क्या बात है, छपा हुआ है उन्हीं के अमामे वालों के तो है ना ये, कोई फन किसी को जरा सा आ जाता है जरा सा तो वो इतराने लगता है, हाँ तुम दे आओ, कहना मैं चेकिंग करने आया हूँ, चूंकि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो इंडियन की चेकिंग है, हाँ तुम्हारा तो डिपार्टमेंट ही, जितने इंडियन जाते हैं तुम्हारे यहाँ इंदिराज कराते हैं, कहना कुछ आपके पासपोर्ट में गड़बड़ है वो हम चेक करेंगे, हाँ वो तो है। तो जनाबे आली कल मैं कह रहा था ना कि इतना सा काम कोई आ जाए उसे गुरूर हो जाता है, बस अब हम इंजीनियर हैं आपको क्या पता दीवार टेढ़ी हो जाएगी और मकान टेढ़ा हो जाएगा, अरे हम डॉक्टर हैं आपको क्या पता ये है दवा और फलन, वह आ गया इतराने लग गया, थोड़ा सा आ गया इतरा गया, कम है जो कि आला जर्फ हैं जो जाहिर नहीं करते, तो थोड़ा सा उन्होंने सीखा ही इसलिए कि इतराएं, और एक यह है कि कुछ भी नहीं आता मगर डिग्रियां हैं, उनको क्या कहते हैं, उन्हें कहते चचा मियां, अब चचा मियां हर महल्ले में एक चचा मियां होते हैं, बल्कि एक महल्ले में कई चचा मियां होते हैं, हर ब्लाक के चचा मियां अलग अलग होते हैं, अब वो कैसे चचा मियां को हर चीज पता है खबर है और कम अज कम कब्रिस्तान में पहुंचे हुए होते हैं, पता नहीं कैसे पहुंच जाते, और जैसे ही मैयत उतरने लगे ऐसे नहीं है ऐसे आ गए चचा मियां, अब चचा मियां कह रहे हैं देखिए ये होगा, अब मजलिस में भी चचा मियां हर जगह चचा मियां, तो अमामे वालों को चचा मियां नहीं बनना है, जरूरी है कि आप चचा मियां बन जाएं कि बस मिंबर में बैठे और नजफ में बैठे हुए मजलिस पढ़ रहे, भाई मजलिस आपका काम नहीं है, तकरीर आपका काम नहीं, वास करें वास, खतीब अलग है वाइज अलग है मुश्तहिद अलग है, उसका काम है फतवा देना, हमारी फील्ड है तकरीर करना, फजाइल मसाइल पढ़ना हमारा काम है, हमारे सिपुर्द किया गया है, हमारा नाम जाकिर हुसैन रखा गया है, ये काम हमारे, ना हम फतवा दे रहे हैं ना हम इश्तिहाद कर रहे हैं, हम आपके फील्ड में नहीं बोल रहे हैं तो आप हमारे मामले में क्यों बोल रहे हैं, ये खिताबत में आप क्यों बोल रहे हैं, आपका काम खिताबत नहीं है, आप फतवे दीजिए जाइए लिख के दीजिए जबानी दीजिए बैठ के दीजिए, तो अब फकीर बैठ गया उसने कहा भाई हजरत अब्बास को तो फिका माजल्ला आती नहीं थी, कल पढ़ा ना मैंने, लिखने वाले वही इंडिया के मौलाना आयतुल्ला वो भी हैं जीशान जवादी साहब इलाहाबाद करारी के रहने वाले, उनकी किताब अल अब्बास उन ये वाक्य लिखा, अब रात को वो खुद ही फकीर ने जब तौबा की तो किस्सा बताया, वरना दूसरे को कैसे पता, तो ऐसी फिका किस काम की बाद में तौबा करना पड़े, अब रात को सोए तो देखा हजरत अब्बास खड़े हैं ख्वाब में, और यहां नाम सुन के लर्जा तारी होता है ना कि वो सामने आ जाएं, तो हजरत अब्बास ने डांट के कहा ये जो तूने फिका सीखी है ये किसका इल्म है दिया हुआ, कहने लगे बाबुल इल्म अली का दिया हुआ इल्म, का अली का इल्म पाके 1400 साल के बाद तू मुश्तहिद और फकीह बन गया मेरे बाप का इल्म लेके, मेरे बाप का इल्म सीख कर तू मुस्तहिद बना है फकीह बना है, और जिसने अली की जबान चूसी है
हैं? अली की गोद में पलने वाले। तो कहां से पहला जुमला तकरीर का क्या था? अली के घर वालों को फजीलतें दे दी गईं। आप उसमें कमी ना करें, बहाने ना तलाश करें कि किसको घटा दें। अब्बास सैयद नहीं थे, आप पे वही आई, आपको कैसे पता? क्या बात है, अली का बेटा और सैयद नहीं, तो फिर आप कैसे सैयद हो? यहां वाले कैसे सैयद बने? 1400 साल के बाद सैयद, 1400 साल के बाद सैयद बन गए। और जो अली का अपना बेटा है, अरे ना भी सैयद लिखा जाता हर वक्त वो सैयद रहते, हमारे सरदार हैं, हमारे सर का ताज है। लेकिन पूरा इराक कहता या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास इब्ने जहरा या अब्बास। जब इब्ने जहरा कह दिया तो सैयद हो गए। ये पीछे तुम्हारे एक लड़का बैठा है जो टोपी लगाए हुए, ये देखो, ये खूब मजलिस में वाह वाह करता है, और कल गायब हो गया, परसों था। तो इसको कहना कि या तो आओ नहीं, और आओ तो पाबंदी से आओ, इसलिए कि हर एक पे पड़ती है नजर। अब वो जगह होती है खाली, जो नागा करता है ना, तो उसको नजरें ढूंढी कहाँ गया। एक तो सारे लोग अपनी जगह बदलते हैं सिवा भाई पुत्तन के, वो बैठते खंबे के पास। इसमें एक खास बात है कि जगह अपनी मुकर्रर करनी, ये नहीं रोज जगह चेंज। अब हमें रोज अपनी नजरों की सेटिंग करनी पड़ती है। अब उसमें मैं मजलिस भी पढ़ रहा होता हूँ, ये भी सोचा था कि ये जो हैं परसों वहां बैठे थे और कल यहां बैठे थे और आज यहां बैठे हैं, और वो गायब था। ये अथर जगह बदलते हैं। एक सेवा दीबाज के, कि ये तो सामने बैठता है जॉन आके, नहीं मजाहिर साहब आप अपनी बात ना करें, आप तो जाहिर हैं। मजाहिर क्या मानिए, जाहिर। आज बाद लोगों से मैंने कहा तुम किधर थे, कहने वो देर हो गई थी तो वहां थे। अरे मैंने कहा जैसे जावेद फलांग के आते हैं, तुम भी फलांग के आओ, जगह अपनी जगह पे पहुंचो, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं जब 5 साल का था, चाहे जितनी मजलिस में देर हो जाए, चूंकि मैं बिल्कुल मिंबर के सामने बैठता था, ये मैंने अपनी आदत बनाई हुई, कोई पढ़े। अच्छा आप देखिए, 5 साल का था ना मैं, तो मैं आगे जाता था। तो 1976 में जब मैं लखनऊ गया, तो एक बड़े मियाँ छड़ी लेके, अरे भाई जमीर कहाँ है लोग, अल्लामा साहब ये हैं, अरे नहीं वो हमारे लिए तो जमीर है। सबने कहा क्यों भाई, वो अल्लामा साहब हैं, पाकिस्तान से आए हैं, नहीं हमारे लिए जमीर है। क्यों? कहने वो 5 साल के थे, जनाब की मजलिस में आते थे, तो मैं गोद में लेके उन्हें आगे बिठाता था, ये उनकी ड्यूटी थी, वो बताने आए थे। अब जाहिर है लोग खड़े होके 5 साल के बच्चे को जगह थोड़ी देंगे, तो वो जानते थे ये मजलिस के शौकीन है, तो वो गोद में लेके आ गए। वो दिन आज का दिन, मैं आगे बैठा हूं हमेशा, मैं सबसे आगे बैठा। और मौलाना कल्बे हुसैन साहब कब्बन साहब की मजलिस में जब सबसे आगे बैठते थे, तो वो सामने बैठे होते थे। अच्छा इस शौक में भी आगे बैठते थे कि जनाब करीब बैठे हुए हैं, तो जनाब कहते थे, चुपके चुपके कहते थे, वो सलाम पढ़ रहा है, सलाम पढ़ने वाला आगे तो बैठे हो, रोना पड़ेगा। तो पहले ही कह देते, रोना पड़ेगा मसाइब में। तो फिर जब कह दिया जनाब ने, तो रूमाल मुंह पे लगा के फिर तो दौड़े मार मार के मसाइब में, बेहोश हुए जा रहे हैं। तो रोना, फजाइल पढ़ना, मसाइब पढ़ना, बचपन से जेरे मिंबर बैठे थे। अब जेबे मिंबर हो गए, तो जमीन से मिंबर पे कैसे आ गए? ये कौन करता है, किसके इशारे पे होता है?
अल्लाह का नाम है रफीउल दर्जात, दर्जों का बुलंद करने वाला। तो अल्लाह ने देखा कि भाई ये हमारे अली के फजाइल पे बड़ी तारीफें करता है, झूमता है, दुरूद पढ़ता है, इसको थोड़ा सा दर्जे बुलंद कर दो, एक दो तीन, चौथे दर्जे पे पहुंच गया, जमीन से यहां तक लखनऊ का मेंबर हो तो पांचवें जीने तक आ गए, चार ही का है ये, तो एक छोड़ना है, चार में एक छोड़ा तो तीसरे पे आएंगे, सात जीनों का है तो दो छोड़ेंगे तो पांच पे आएंगे। रफीउल दर्जात अल्लाह का नाम है, जिसका दर्जा बुलंद कर दे, कैसे बुलंद कर दे, बुलंद कर दिया। दुनिया में कोई इंसान नहीं गुजरा, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, उसने अपनी जबान से ये नहीं बताया कि मेरी तारीफें क्या हैं। मेरी तारीफें क्या हैं, दुनिया में दो को जेब दे गया कि सारी तारीफें मेरी हैं, या अल्लाह कहता है या अली कहता है। मौला अली फरमाते हैं 23वीं फजीलत मेरी ये है, कल हम 22 पर थे, 23वीं फजीलत हमारी ये है कि रसूल खुदा ने मुझे अपनी हयात में अपनी अंगूठी, जेरा और कमर का पटका अता किया और अपनी तलवार मेरे गले में हिमायल की, जबकि आपके तमाम सहाबा वहां मौजूद थे और मेरे चचा अब्बास भी वहीं पर थे, मगर अल्लाह ने इन सब को छोड़कर सिर्फ मुझे ये शरब बख्शा। अल्लाह ने दिया, नबी ने, अली कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे ये शरब बख्शा, यानी अल्लाह के हुक्म पर नबी ने ऐसा किया। अल्लामा हिल्ली ने, वो भी आयतुल्लाह है, पूरी किताब इस पे लिखी है कि अली की विरासत क्या है, पूरी किताब लिखी है विरासत, उसका नहीं, विरासत कैसे मिलती है। तो अब रसूल अल्लाह के पास क्या था, रसूल अल्लाह की खास चीजें क्या थी, न मकान की बात है, न जमीन की, न बाग की, न दौलत की, न पैसे, बल्कि सरकार के विसाल के बाद तो ये कहा गया छोड़ा ही क्या, रसूल अल्लाह ने तरके में कुछ छोड़ा ही नहीं, कैसे छोड़ते, जो था वो जिंदगी में किसी को दे दिया, फदक पास था तो जहरा को दे दिया। अब उसके बाद क्या क्या था, एक रसूल अल्लाह की अंगूठी थी जिसे आप मोहर लगाते थे, जिसे दस्तखत होती थी, जिसकी वजह से पता चलता था अल्लाह के रसूल हैं, खत लिखा मोहर लगा दी, उसी में मोहर लगी थी, वो अली को दे दी, और एक जेरा थी जो जंग में पहनते थे, और तलवार थी। ये सब मस्जिद में ऐलान हुआ, आ जाओ भाई अली, अली को रसूल अल्लाह अपनी विरासत आज देंगे। सब जमा हो गए, फिर आप मिंबर पे गए, खुतबा दिया, बिलाल से कहा सब सामान लाओ, सामान सामने रखा गया, फिर रसूल अल्लाह उतरे, अली के हाथ में अंगूठी पहनाई, कमर में तलवार लगाई,
जीरा जिस्म पे डाली, कमर का पटका कमर पे बांधा और ऐलान किया कि मेरी तमाम विरासतों का वारिस अली है। अब सवाल यह है कि अगर कोई और रसूलुल्लाह का वारिस बना था तो अली के पास आके कहता, मैं वारिस हूं, अंगूठी भी दो, जेरा भी दो, तलवार भी दो। पता चला हुकूमत के काम की ये चीजें नहीं थी, तलवार तो बिल्कुल ही उनके काम की नहीं थी। तलवार तो बिल्कुल उनके काम की नहीं। और कहा अली ये सारी चीजें अपने कब्जे में ले लो, अपने कब्जे में ले लो, ले नहीं लो तुम ये ले लो ये नहीं, अपने कब्जे में ले लो। भूलना नहीं है ये लफ्ज कब्जा, मेरा इस पे कब्जा है। जब कब्जा हो जाता है और कब्जा अली का हो, अली का पंजा हो, अब कोई छीन नहीं सकता। अली ये आलम तुम्हारा, अली ने कब्जे में। आलम किसी ने अली से नहीं छीना, ये इल्म तुम्हारे कब्जे में, इल्म कोई नहीं छीन सकता, ना आलम कोई ले सकता है ना इल्म। अंगूठी तुम्हारे कब्जे में, अब कोई छीन नहीं सकेगा। जेरा तुम्हारे कब्जे में, तलवार तुम्हारे पास कब्जे में। तो ये कब्जा जो है, कब्जे के कई मानी, अभी एक मानी और आगे आएंगे तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। किसी हदीस को फिर याद कीजिएगा तो फिर कब्जे का और लुत्फ आएगा आपको। तो मौला अली ने चंद चीजें इसमें बता दी। तारीख लिखती है घोड़ा भी था, वो बाहर खड़ा हुआ था, क्योंकि मस्जिद में जितनी चीजें थीं उसका जिक्र कर दिया, वो चबूतरे के बाहर था। और कहा घोड़े पे बैठ जाओ, अबा अमामा कबा सब अली को पिन्हा दिया। अब्बाद नबी, देखिए इसमें जुमला मौला कहे कि चचा अब्बास भी बैठे थे जब मुझे ये सारा सामान रसूलुल्लाह ने दिया। अब चचा अब्बास ने मुकदमा किया हुकूमत पर कि मेरा सामान अली के पास है, दिलाया जाए।